Allahu 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 Allah. बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। इससे पहले कि हम इसके तर्जमा और तफसीर में जाएं, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जो कुरान मजीद है ये अल्लाह ताला का कलाम है। ये इकबाल ने भी जिस तरह कहा है ना एक जगह पे कि इन चीज़ दीगरे अस्त, कि ये कुरान जो है ये आप इसको बाकी चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जितनी भी अपनी मखलूकात बनाई हैं अल्लाह ताला उनका खालिक है, क्रिएटर है। अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास डिज़ाइन के ज़रिए से एक ख़ास डिज़ाइन के तहत अल्लाह ताला ने उनको डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है, बनाया है। क्योंकि ये सारी मखलूकात अल्लाह ताला की ज़ात से मुख्तलिफ हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से जुदा हैं, लिहाजा अल्लाह ताला शॉर्ट कमिंग्स का भी क्रिएटर है। अल्लाह ताला ने इन मखलूकात के अंदर भी कमियां कोताहियां रखी हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया तो उनको नूर से बनाया, लेकिन फरिश्तों को वो इल्म नहीं दिया जो अल्लाह ताला के अपने पास है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने लिमिट किया बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बनाया, तख्लीक फरमाया, तो फरिश्तों को क्या कहा कि तुम वो बात नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से यह कहा कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ, तो फरिश्ते वो चीज़ों के नाम नहीं बता सके क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें कामिल नहीं दिया। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई हैं और जो अपनी लिमिटेशंस रखती हैं। इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, तो इंसान के अंदर तो अल्लाह ताला ने जा बजा कमज़ोरियाँ, जा बजा कोताहियाँ, जा बजा जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो रखी हैं। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसको थोड़े दिन खाना ना मिले तो वो मर जाएगा। इंसान को फरिश्तों को सफ़र करने के लिए किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंसान को सफ़र करने के लिए सवारी की ज़रूरत होती है, वो बग़ैर सवारी के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो बहुत स्लो जाएगा, थक जाएगा, सफ़र तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकेगा। फिर इंसान को नींद की ज़रूरत है, इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इंसान को हर तरह की लिमिटेशंस हैं, रिश्तों की लिमिटेशंस हैं, उनकी ज़रूरत है, रहने के लिए छत की ज़रूरत है, प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है, हर तरह की शॉर्ट कमिंग्स इंसान के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह जानवर ले लें और जो नॉन लिविंग मखलूकात हैं, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, ये सारी की सारी मखलूकात जो हैं अपनी अपनी लिमिटेशंस रखती हैं। सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात कामिल है, और ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला का बयान है, अल्लाह ताला की कन्वर्सेशन है, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने अदा फरमाए। यानी कि इस कलाम मजीद के अंदर वो लिमिटेशंस, वो शॉर्ट कमिंग्स नहीं हैं कि जो अल्लाह ताला की मखलूकात में अल्लाह ताला ने रखी हैं। अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, हर चीज़ के ऊपर कादिर है। वो चाहता तो मखलूकात को शॉर्ट कमिंग्स के बगैर बना सकता था, जैसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया जिनके अंदर बहुत सारी वो शॉर्ट कमिंग्स नहीं रखी कि जो अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर रखी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को, इंसान को खासकर, कमज़ोर बनाया है, शॉर्ट कमिंग के साथ बनाया है। लेकिन जो अल्लाह ताला का ये कलाम है, कुरान मजीद है, ये अल्लाह का कलाम है, ये उन शॉर्ट कमिंग से पाक है। लिहाजा एक तो बात ये हो गई कि ये कलाम पाक अल्लाह का शॉर्ट कमिंग से पाक है। दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि अल्लाह का कलाम है तो ये अपने अंदर एक इल्म का समुंदर पिन्हा किए हुए है।
आपको पढ़ने में ये कुरान के अल्फाज लगेंगे, लेकिन एक एक लफ्ज़ जो है अपने पीछे एक तारीख रखता है, अपने पीछे एक कॉन्टेक्स्ट रखता है, अपने पीछे एक फ़िलासफ़ी रखता है, अपने 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 अंदर एक 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 डेप्थ रखता है और एक कॉन्टेक्स्ट रखता है। लिहाजा अगर आप कुरान को विदाउट कॉन्टेक्स्ट या सियाक व सबाक के बग़ैर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गुमराह होने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है कि बाज़ उलमा कहते हैं कि कुरान ख़ुद नहीं पढ़ना चाहिए, या बाज़ कहते हैं तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। दरअसल बात यह नहीं है कि कुरान को ख़ुद नहीं पढ़ना चाहिए या तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान को कॉन्टेक्स्ट के बग़ैर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे, सिर्फ एक आयत ले लेंगे या एक पार्ट ले लेंगे कि कुलू वशरबू और बाकी पार्ट छोड़ देंगे वला तसरफू, तो आपको फिर कुरान में सिर्फ यही नज़र आएगा कि खाओ पियो खाओ पियो खाओ पियो, बाकी सारी बातें आप भूल जाएंगे, ज़कात वाला कॉन्टेक्स्ट आप भूल जाएंगे। ये तो एक मोटी एग्जांपल है। इसी तरह ग्रैनुअल लेवल पे भी ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट या को सबाक नहीं पता उस बात का, तो आप अपनी मर्ज़ी के मतलब निकाल कर गुमराह हो सकते हैं। लिहाजा कुरान पाक को किसी भी सूरत को किसी भी आयत को उसका शान नज़ूल का आइडिया होना चाहिए कि ये कब उतरी, किस माहौल में, किस एनवायरनमेंट में उतरी, उस वक्त के क्या हालात थे, फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत की रोशनी में क्या अहादीस बयान फरमाई, फिर सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के क्या अकवाल थे, फिर खुलफाए राशिदीन और बाद के लोगों में सहाबा इकराम में, ताबईन में, तबा ताबईन में उस आयत के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या बयानात हुए और क्या क्या अमल किए गए। जब ये सारी बात आपको समझ आ जाएगी, सारी बात आप देख लेंगे, फिर आप उस आयत को किसी हद तक समझने के काबिल हो सकते हैं। लिहाजा जो लोग भी कुरान समझने और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो कि माशाल्लाह आजकल बहुत ज़्यादा यूथ कर रही है, उन सब से गुजारिश है कि कुरान को तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी भी मतलब निकालने से पहले तफसीर को ज़रूर देख लेना चाहिए। किसी भी अथेंटिक तफसीर को आप ले लें, तफसीर इब्ने कसीर ले लें, डॉक्टर इसरार अहमद की बयानुल कुरान को सुन लें, सैयद अबुल आला मौदूदी की आप तफहीमुल कुरान ले लें, तफसीर इब्ने कसीर कोई भी आप ले लें, तफसीर सादी ले लें, जितनी भी और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तफसीर लिखी है वो आप ले सकते हैं, जितनी भी अथेंटिक तफासीर आपको मार्केट में मिलती हैं किसी से भी आप इस्तफादा कर सकते हैं, ताकि आप अहम तरीन जो लोग हैं, मुफस्सिरीन हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आप उस आयत को समझ सकें।